तुमने शादी करवा के मुझे फंसा दिया है। 6 महीने हो गए शादी को और 6 महीने से घर से आई नहीं है। जब जाता हूँ तो बुढ़िया मुझे भगा दे। बेटा बाहर या पार, जो तेरे पास 50,000 रुपए रखे ना वो लेके चलो। 50,000 रुपए उसके आगे रखेंगे। अब बुढ़िया से कहेंगे या तो फैसला कर या लौंडिया को भेज, अपनी बुढ़िया डर के मारे भेज देगी। ये पापा क्या दिमाग लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रखे 50,000 रुपए, या तो लड़की को भेजो नहीं तो फैसला करो। अरे लड़की जाने नहीं चाह रही तो छोड़ो, खत्म करो। तुमने मेरे 50,000 रुपए मरवा दिए, गाड़ी भी गई, बीवी भी गई। बहुत अच्छी तरकीब थी, नहीं ये डुबो दी। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगा। यार बहुत ठंड है आज। तो आग ही जला दे। यार आग ही जला लेते, लेकिन कोई चीज नहीं है अपने पास में। बल्ली है तो उधर। चलो यार बल्लिये चुराते हैं। अब जिसकी बल्ली है वो बहुत मारेगा। तापेगा तो कितना मजा आएगा। हाँ चलो आप बल्ली चुराते हैं। बेका दिया, बेका दिया। अबे यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बल्लिये चुर रही है। अबे क्यों, कहाँ लेके जा रहे हैं बल्ली? अरे भाई मुझे शैतान ने बहका दिया, तो मुझे माफ कर दो। आगे से गलती मत कर दिए, चल जाए यहाँ से। चल रही है ये, फिर बल्ली ले ले आएगा, मार इसको। देखो भाई वसीम और शोएब, लड़की बड़की तो छेड़ेंगे नहीं, घर पे पहुंच रही है बहुत शिकायत। बाप ने कहा अगर आ गई तेरी शिकायत तो घर में नहीं घुसेड़ूंगा और मारूंगा अलग। तो भाई तेरा कहने का मतलब है तू लड़की नहीं छेड़ेगा? ना भैया। मेरा मतलब है आज छेड़ूंगा कल नहीं छेड़ूंगा। बड़ी खट्टी है। क्यों बे, क्या कह रहा है? मैं खट्टी हूँ? अरे ना ना, मैं तो अम्मी को कह रही हूँ, तुम तो मीठी हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ये हो गया काम। ओए आई लव यू, खत्म। क्यों मैं सिंगल पसली, क्या कह रहा है तू? मेरे तो लग गए, मेरे तो लग। अब बता क्या कह रहा था तू? बड़ा आया आई लव यू बोलने वाला, तो मैं ना समझू? तू नहीं मानेगा। अरे भैया, अरे अरे जावेद भाई आओ बैठेंगे। चल जल्दी यहाँ से, बड़ा बिठाने वाला आया। चल तो रही हूँ। मैंने तुझसे 10 फेरे कहा उबैद के साथ मत बैठा कर, हाँ वसीम के साथ बैठा कर, वो पातिदम का नमाजी तो है। हाँ नहीं बैठूंगा उसके साथ। अरे कुत्ते ने मुंह डाल दिया खीर में। अरे जावेद। हाँ माँ। ले ये खीर अपने दोस्त उबैद को खिला दे। उबैद को खीर खिला दूँ? माँ इतनी मेहरबान कैसी हो आज? मेहरबान कुछ नहीं हूँ, इसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया था, मैंने सोचा कुत्ते का दूध कुत्ते को ही खिला दूँ। ठीक है माँ, ले मेरे दोस्त, आज मेरी माँ ने तेरे लिए खीर भेजी है। ये ले भाई, एक बात बता, आज तेरी माँ इतनी मेहरबान क्यों है मेरे ऊपर? असल बात है ना, खीर में कुत्ते ने मुंह डाल दिया था, तो मेरी माँ ने कहा कुत्ते का झूठा कुत्ते को खिला दो। कान भाई कैसे मजदूर लगा लिया तुमने, काम कम कर रही है, बीड़ी जा रही पी रही है। अच्छा शाम को बताऊंगा जब पैसे लेने आएगा। अरे सुल्तान भैया दिहाड़ी दे देते हमें। 60 रुपए ये ले और 4 रुपए कल ले जाइए। सुल्तान भैया दिहाड़ी दो, ये क्या दे रहे हो 60 रुपए? मैंने इतनी मेहनत से काम करा है। दिहाड़ी काम करने वालों को मिलती है, बीड़ी पीने वालों को नहीं। शांति से खड़ा है अभी, बका क्या होता हूँ।
बल्लू यार टाइम पास ही नहीं हो रही आज। सही कह रहा हूँ, टाइम पास नहीं हो रही है, ये गिट्टी लो सामने मारो दरवाजे पे। हमें बल्लू बहुत अच्छी चीज बताई गया, एक गिट्टी और लीजिए। कौन गिट्टी मारी है? अरे भैया शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आप हो कौन? मैं शैतान हूँ। अगर तू शैतान है तो तूने मेरी जान क्यों बचाई? अगर तू हादसे में मरता तो तेरी शहीदी में गिनती आती, और मैं नहीं चाहता कि तू शहीदी मौत मरे, आप मौत मरे। अबे शहीदी की मौत तो नसीब वालों को मिलती है। अबे भाई जावेद, राशन खत्म हो गया, राशन लेकर आ। यार इस मुसीबत ने बड़ा दिमाग खराब कर, जा रही हूँ। भाई वो सौदा चाहिए थी उधार, 2 किलो आटा और पावर कड़वा तेल। सौदा तो ले लो उधार, बहुत मद्दा चल रही है, टाइम पे पैसे दे देना। शेफ भाई मैंने काम की बात कर ली है, 2-4 दिन में पैसे दे दूंगा। अरे यूनुस भाई 10-15 दिन के लिए जरा सौदा उधार चाहिए। भाई मैं सौदा उधार नहीं देता हूँ। भाई तुम्हारे पैसे लेके तोरी भाग जाऊंगा भैया, 75 गज का मकान है मेरा। चलो ठीक है लाओ, कट्टा दो। लो भर दो इसे। क्या हुआ भैया? वो सौदा चाहिए थी उधार। वो बात तो सही है भाई, लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वसीम भाई मैं तुम्हें जानता हूँ भैया, पीछे मकान है अपना 75 गज का। अच्छा ठीक है, लेकिन भाई पैसे टाइम से दे जाना। लाओ थैला। अरे भैया पैसे तुम्हारे सराखों पे, 3 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया, अब चल ले दूसरे शहर। जावेद, जावेद तो घर खाली करके चला गया। अरे भैया किराए पे रहता था। हमारा शोएब भाई कहाँ जा रहे हो? जावेद भाई का नहीं आ रहे थे पैसे लेने के लिए, मूली लेने गया था ना, तो मैंने जावेद भाई का नहीं भी बोले। पैसे तो भैया मैं भी लेने गया था, पर क्या करूँ उल्टे देकर आ रही हूँ। वो तुम थे, ये शोएब है, अपने पैसे लेके आगा। अरे शोएब ये तो अपना कर्जा लेने आता होगा। अरे क्या हो गया, तुम लेट क्यों गए? अरे शोएब आ रही है पैसे लेने के लिए, वो आए तो कहीं तबीयत सही नहीं है। अरे जावेद भाई, जावेद भाई क्या हो गया? इनकी ठंड में तबीयत ही खराब हो जाती है। भाभी मैं पैसे लेने आया था अपने, मेरे बच्चों ने सुबह से चाय तक तो पी नहीं है, कहाँ से दूं पैसे? लो जावेद भाई ये 100 रुपए रख लो, बच्चों को चाय नाश्ता बना के पिला देना। शोएब भाई मूलियाँ तो बहुत अच्छी हैं। हमारे शोएब भाई का दिल बहुत बड़ा है। लो भाभी रख लो। ठीक है जावेद भाई चल रहे हैं। गया शाम को मूली की भुजिया बना लिए। तुम्हें पता है मुझे खाने में क्या पसंद है? आप मुझे बता दीजिए। मच्छी मैं नहीं खाता हूँ, मुर्गा मैं नहीं खाता हूँ, गोश्त मैं नहीं खाता हूँ, सब्जी मैं नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ दाल खाता हूँ, दाल के सिवा कुछ नहीं खाता हूँ, जब चाय बना। और हाँ उसमें जरा दूध कम डालिए। मुर्गा खाएगी, दाल खिलाऊंगा दाल। अरे उठो ना उठो। क्या हुआ तुम्हें? दाल रखी, दाल खा लो। आंखें खोल, तेरी मौत खड़ी है। दाल खा लो। दाल नहीं खाऊंगा, दाल का अजाब बड़ा जबरदस्त था। तू थैला दे, मैं मछली भी लेके आऊंगा और मुर्गा भी लेके आऊंगा। ले ला। क्या वो बहन तू बड़ी कमजोर हो गई, सूंख के कांटा। भैया तुमने मेरी शादी किस कंजूस से करा दी, वो तो दाल के सिवा मुझे कुछ खिलाता ही नहीं है। बहन तू टेंशन मत ले, आज बस उसको नींद की गोली खिला दी। तू टेंशन मत ले, उसकी दाल तो सही वाली मैं निकालूंगा, ख्वाब ही समझेगा वो। मैं समधी जी को देखने जा रही हूँ, उनकी तबीयत सही नहीं है। जा तो रहे हो, वहाँ चीख के बात मत करना, बैरे तुम हो वो नहीं। हाँ नाश्ता वास्ता कर लूंगा, चलो ठीक है। अरे पूछेंगे क्या समझी जी से? अरे कैसी तबीयत है, क्या खा रहे हो, किसे दिखा रहे हो, बस यही तो पूछना है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया बेरा, दिमाग की नसें हिलागा। समधी जी कैसी तबीयत है? मर रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डॉक्टर ने खाने में क्या बताया है? जहर बताया है। बहुत अच्छा है, खाओ खाओ ठीक हो जाओगे। मैं चाचा इस बहरे को कहीं मैं मार ना बैठूं। अरे चाय मंगा रहे हो, थोड़ी सी पकौड़ी मंगा लियो। कौन से डॉक्टर को दिखाया? मलकन मौत को दिखाया। ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फाइनल डॉक्टर है, अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम सही। लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया, भागने में ही भलाई है।